हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, नीट 2020 का जो डेट है वो 26 जुलाई 2020 को अनाउंस किया गया है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो क्या इस दिन जो है वो एग्ज़ाम हो पाएगा या डेट आगे भी पोस्टपोन्ड हो सकता है? आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, सारे कंडीशंस को देखते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, इस साल जो है वो मेडिकल एंट्रेंस का एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, वो है नीट। ना तो एम्स ना जिपमर, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो इसलिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है और ये भी ध्यान देना है कि जो बच्चे इतने सारे अपीयर हो रहे हैं, जो 15 लाख से 16 लाख बच्चे इस बार अपीयर होने वाले हैं, वो भी सेफ़ रहें और एग्ज़ाम भी सही तरीके से हो जाए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का ये ध्यान है कि बच्चे सेफ रहें। तो इस कारण से क्या किया गया है कि जो पहले 2500 सेंटर्स पे एग्ज़ाम हुआ करता था, जो 15 लाख से 16 लाख बच्चे अपीयर होने वाले, तो पहले 2500 सेंटर्स पे एग्ज़ाम होने वाला था, इसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2 times इंक्रीज़ कर दिया है सेंटर्स को, यानी कि अब 5000+ सेंटर्स पे एग्ज़ाम होने वाला है, ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन हो सके। क्योंकि पहले जब आप एग्ज़ाम देने जाते होगे तो देखते होगे कि सेंटर्स पे कितने ज़्यादा क्राउडिंग हो जाता था, आने जाने में बहुत सारे बच्चे इंटरेक्ट करते थे, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते थे। अगर अभी ऐसा हो तो कोविड-19 का पैंडेमिक जो चल रहा है, इसके कारण और भी ज़्यादा पैंडेमिक जो है वो और भी इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोविड-19 के केसेस बच्चों में आ जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये जो अभी एग्ज़ाम सेंटर है उसको बढ़ा दिया गया है। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग पूरा मेंटेन किया जाएगा। पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर जो स्टूडेंट बैठते थे वो 1 मीटर की दूरी पे बैठते थे, अब क्या कर दिया गया है कि अब स्टूडेंट जो है वो बैठेंगे 2 मीटर की दूरी पे, यानी कि वहाँ भी 2 गज की दूरी जो है वहाँ भी मेंटेन किया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर 2 मीटर का डिस्टेंस पूरा मेंटेन किया जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेने का पूरा कोशिश कर रही है कि 26 जुलाई को एग्ज़ाम ले ही लिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा कोशिश है। बट आपको एक बात और भी ध्यान देना है कि यहाँ कोविड-19 का जो पेंडेमिक है वो अभी इंडिया में पीक पे भी नहीं पहुँचा है, यानी कि अभी इंडिया में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने दिल्ली का इधर न्यूज़ सुन रहा होगा कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है कोविड-19 के केसेज में, तो इन सब को देख के ये भी सिचुएशन है कि नीट आगे एक्सटेंड हो सकता है। क्योंकि जानते हो आप, गवर्नमेंट जो है कभी भी नहीं चाहेगी कि इतने सारे स्टूडेंट का लाइफ खतरे में डाले और इन सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम में डाले। तो गवर्नमेंट ये भी कंसीडर कर रही है कि जो नीट 2020 है वो लेने का भी तो गवर्नमेंट को पूरा ट्राई कर रही है कि 26 जुलाई को एग्ज़ाम ले ले, बट गवर्नमेंट ये भी देखेगी कि अभी पैंडेमिक का क्या सिचुएशन है। और बात करें कि एडमिट कार्ड का क्या होगा, तो एडमिट कार्ड क्या है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जब एग्ज़ाम जिस दिन होगा उससे 15 डेज पहले एडमिट कार्ड आएगा, तभी पूरा डिसाइड होगा कि हाँ 26 जुलाई को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि ये कि एक आपको ये ध्यान में रखना है कि 26 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको डेट एक्सटेंड नहीं होने वाला, क्योंकि ये बाकी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि क्या होता है नहीं होता, बट आपको अभी फ़िलहाल यही ध्यान रखना है कि 26 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाएगा और जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के 15 डेज पहले, यानी कि अगर 26 को एग्ज़ाम है तो आपको 10 जुलाई या फिर 11 जुलाई को एडमिट कार्ड आएगा, तभी आपका फाइनल हो जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो एडमिट कार्ड के बारे में आपको पता चल गया। अब देखिए, मैं आपको पहले एक वीडियो बनाया था कि नीट 2020 का पेपर कैसा होगा, हार्ड होगा, ईजी होगा, मॉडरेट होगा वो, और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो नीट 2020 का वो क्या हो सकता है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उस वीडियो से आपको एक ओवरऑल पता चलेगा कि हाँ पेपर कैसा आ सकता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो मैं उस वीडियो का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो नीट 2020 है वो आप गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि 26 जुलाई को ले लिया जाए। मतलब आपको एकदम ध्यान रखना है कि आपको 26 जुलाई के को ही ध्यान रख के आपको प्रिपेयर करना है। तो बस मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।